हेलो दोस्तों, यूर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उन सभी न्यू स्टूडेंट के बारे में जो एसओएल में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पे एडमिशन ले रहे हैं। एडमिशन लेते वक्त या फॉर्म फिल करते वक्त दोस्तों आपको अपने कई सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना अपलोड किए आप अपने एडमिशन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ें या ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद दोस्तों आपका जो पेमेंट का लिंक है वो कब तक आपको मिल जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो ऐसे जितने भी न्यू स्टूडेंट है दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन जितने भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी आप हाल ही में न्यू एडमिशन लेंगे एसओएल में, आपको इस चैनल के थ्रू आपके हर एग्जामिनेशन जो भी एसओएल की रिगार्डिंग या दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग अपडेट रहती है आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों आपके सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से ही अरेंज करके रखने हैं। जिन डॉक्यूमेंट्स की बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के, तो सबसे पहले आपकी फ़ोटो, आपके सिग्नेचर और आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से ही रेडी करके रख लेने हैं। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करते वक्त आपकी 12th क्लास की मार्कशीट और 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होती है। अगर आपको 12th क्लास की अभी तक मार्कशीट नहीं मिली है तो थोड़े दिनों तक आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके एडमिशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है ये अभी 31 अगस्त रखी गई है। और दोस्तों जो आप अपनी 10th क्लास की 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करेंगे तो जो मार्कशीट रहेगी उसका सबसे पहले आपको फोटोकॉपी करा लेना है और उस फोटोकॉपी के ऊपर अपना एक सिग्नेचर और आपकी जिस डेट पर अपलोड करें उस डेट का वहाँ पर डेट लिख देनी है, सेल्फ अटेस्टेड करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी अपलोड करने हैं। टोटल ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी से आपको तैयार करके रख लेने, कौन कौन से आपके फ़ोटोज़, आपके सिग्नेचर, आपके 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी जिसमें आपका एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ के थ्रू प्रूफ हो उसमें। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे कई सारे स्टूडेंट भी होंगे जो अपना एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी बताए गए अपलोड कर देने के बाद भी आपका इनकम सर्टिफिकेट मांगता है या उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। यहाँ पर दोस्तों जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे पूछा जाता है फीस कंसेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस और एक रहता है आपका हार्डबुक वाला। तो यहाँ पे अगर आप उनको यस कर देते हैं तो उस टाइम पे आपको अपना लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होता है। अगर आप उनको यस नहीं करते हैं, नो कर देते हैं, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करने की। अगर फिर भी मांगता है, अगर आपने नो कर रखे हैं जो भी अभी उन्होंने बताया फीस कंसेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंट, अगर आपने नो कर रखा है उसके बावजूद भी अगर आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगता है तो वहाँ पर दोस्तों एक आप PDF या किसी भी एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि आपने जो भी फीस कंसेशन या आपके फाइनेंशियल असिस्टेंट है इसको आपने एग्री नहीं किया है, यस नहीं किया है, जिस वजह से इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया जा सकता, या हैंड रिटन में आप जो है लिखकर उसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों जब आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, अपलोड कर देने के बाद जब आपका फाइनल सबमिशन होता है तो वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो आपको एग्री करके अंडरटेकिंग करके एग्री कर देना होता है। उसके बाद दोस्तों एक वेरीफाई का लिंक आ जाता है, वेरीफाई करने का एक टाइम दे दिया जाता है, उसके बाद डायरेक्ट आपको पेमेंट करने का लिंक नहीं दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों भी आपसे नहीं कहा जा सकता है कि अगर आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्ट किए थे, अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे, फाइनल सबमिशन कर दिया था, तो ये जो पेमेंट करने का जो लिंक है दोस्तों ये कब तक आपको प्रोवाइड किया जा सकता है अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी आपके जो एडमिशन है दोस्तों 14 जून से शुरू हुए हैं और 31 अगस्त तक चलेंगे। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी कम ही स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपने एडमिशन फॉर्म की फ़ीस के जो फ़ीस है उसकी पेमेंट की होगी। तो यहाँ पर अभी आपके जो पेमेंट का लिंक है दोस्तों ये जुलाई के अंदर ही आएगा, जुलाई मंथ में ही आएगा, तो उस टाइम पर आप अपनी जो पेमेंट है कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे कई सारे स्टूडेंट भी होंगे, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेमेंट कर दी है लेकिन उनका फ़ी रिसिप्ट जो डाउनलोड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ऐसे हो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आप पेमेंट कर देते हैं फी रिसिप्ट डाउनलोड नहीं होती, एडमिट कार्ड रिलीज डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ दिनों तक वेट करना है। वेट करने के बाद भी अगर आपका फी रिसिप्ट या एडमिट कार्ड जो आपका आईडी कार्ड होता है डाउनलोड नहीं होता है तो जो पेमेंट करने का जो लिंक रहता है उसके ऊपर एक बार आप क्लिक करिएगा। क्लिक कर देने के बाद वहाँ पर कुछ दिखाएगा कि अभी आपका जो पेमेंट हो चुका है या नहीं हो चुका, तो उसके बाद ही अगर पेमेंट आपने कर दिया तो दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना है, केवल आपको वेट करना है।
तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। तो ये जो वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी आइडिया हो सके किस तरह से अपने एडमिशन फॉर्म या कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे वो अभी से तैयार करके रेडी करके रख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।